हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप? तो सर्दियां आ गई हैं और अब बनेंगे अच्छे अच्छे डिश। तो आज मैं बना रही हूँ मूली का पराठा, वो भी एक अलग तरीके से, और उसके लिए एक बढ़िया वाली चटनी। तो यहाँ पे हमने टमाटर, प्याज, हरी मिर्च और लहसुन, इसको हम भून लेंगे आराम से धीमी आंच पे। और यहाँ अब हम मूली को दोनों तरफ से इसका जो बेस्ट पार्ट है उसको निकाल के छील लेंगे। छीलने के बाद इसे हम कद्दूकस कर लेंगे और सब गला खराब हो गया मेरा। यहाँ कद्दूकस जो करेंगे हम, तो बहुत बारीक वाले उसमें नहीं करेंगे, थोड़ा सा जो मोटा इसका वो है वहाँ से करेंगे। इनको सबको हम कद्दूकस कर लेंगे और उसके बाद इसमें हम एक चम्मच नमक मिला के रख देंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारा पानी निकलता है। तो अगर हम नहीं निकालेंगे तो ये बाद में पानी जो है जब हम बेलने लगेंगे तो ये निकलेगा, उस टाइम पूड़ियाँ सारी हमारी फट जाएंगी। तो इस वजह से नमक डाल के कुछ देर के लिए रख देंगे। और यहाँ हम इनको, इनके जो छिलके हैं उनको साफ़ कर लेंगे और साफ करके इन्हें धुल लेंगे, उसके बाद बनाएंगे इनकी हम चटनी। तो सर्दियों में काफ़ी सारी डिशेस बनती हैं सर्दियों वाली, और खाने का मज़ा जो होता है वो सर्दी में ही होता है। तो डेली कुछ ना कुछ आप बनाइए सर्दी के खाने, और उसमें आराम से खाना पच भी जाता है। बहुत लोगों को गर्मियों में दिक्कत होती है, तो कुछ चीज़ें होती हैं जो घर में काफ़ी लोगों को पसंद भी नहीं आती हैं। तो आप ऐसे बनाइए कि जिन्हें ना भी पसंद हो वो उन्हें पसंद आ जाए। तो इनके हमने सारे छिलके निकाले हैं और इन्हें एक बार हम धुल लेंगे जैसे ये अच्छे से साफ़ हो जाए। इसके बाद इन्हें हम बारीक कर लेंगे और चॉपर में चॉप कर लेंगे। इन्हें आप चाहें तो मिक्सी में भी पीस सकते हैं, सिलबट्टे पे भी पीस सकते हैं, आपको जैसा टेक्सचर चाहिए उस हिसाब से इन्हें पीस सकते हैं। और जब भी इन्हें पीसें तो प्याज जो है अलग से बारीक करके डालें, और चॉपर में आप प्याज के साथ ही इन सबको मिला के डाल दीजिए और डाल के अच्छे से इन्हें चॉप कर लीजिए। ये देखिए इनका टेक्सचर बहुत ही बढ़िया आया है। और यहाँ पे हमने थोड़ी सी और हरी धनिया इसमें मिलाई है, जिससे वो भी इसी में मिक्स होके अच्छे से चॉप हो जाए। ये देखिए आप देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया टेक्सचर है, कलर है। और इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा कच्चा सरसों का तेल, जिससे इनका स्वाद भी बढ़ जाएगा और ये नुकसान भी नहीं करेंगे। और डाल देंगे नमक। ये बन गई हमारी चटनी और अब हम बनाएंगे पराठा। उसके लिए यहाँ पे हम मूली सबसे पहले अच्छे से इन्हें ब्रश करके गार लेंगे, इनका सारा जूस बाहर निकाल देंगे। आप चाहे हाथ से इनका जूस निकाल दें या फिर आप किसी कपड़े की सहायता से कपड़े में रख के अच्छे से दबा दबा के इनका जो है सारा पानी निकाल दीजिए, जिससे ये जब हम पराठे बनाएं तो इसमें थोड़ा सा भी पानी ना रहे। और इस पानी को आप आटा गूंथने में प्रयोग में ला सकते हैं। और यहाँ हम अब डाल देंगे हरी धनिया, अदरक और अजवाइन डाल देंगे थोड़ी सी, थोड़ा सा जीरा डाल देंगे और आमचूर पाउडर डाल देंगे यहाँ हम एक चम्मच, और कश्मीरी लाल मिर्च और नमक है, और यहाँ कम से कम दो बड़े चम्मच बेसन डाल देंगे, जिससे इनमें अच्छी सी बाइंडिंग आ जाए। और इसमें थोड़ा सा अगर पानी भी हो वो भी बेसन जो है उसको अब्जॉर्ब कर लेगा। और ये जब इस हिसाब से आप बनाएंगे तो पराठे फटेंगे नहीं। और आपको लग रहा होगा कि फिर बेसन कच्चा है, लेकिन जब हम पराठे सेकते हैं तो जब रोटियां उसकी पूड़ियां पकती हैं तो ये बेसन भी अच्छे से पक जाता है। और यहाँ लगाएंगे हम पराठे का आटा। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा आटा लिए हैं और थोड़ा बेसन भी लिए हैं, और यहाँ अजवाइन, कसूरी मेथी और नमक,
इनको सबको हम इसमें डाल के मिला लेंगे और एक मुलायम डो यहाँ पे लगा लेंगे, जिससे मुलायम इसलिए लगाएंगे कि जब पराठा हम बनाते हैं तो अक्सर वो फट जाते हैं, लेकिन अगर आटा इसका जो लगाएंगे वो अगर मुलायम रहेगा तो इसके पराठे नहीं फटेंगे। और काफ़ी अच्छे से इन्हें मसल मसल के आप गूँथ लीजिए, तो ये काफ़ी लचीला हो जाता है जो हमारा आटा होता है। तो जब ये लचीला हो जाएगा तब जो पूरियाँ बनेंगी वो नहीं फटेंगी। तो अभी देखिएगा आप, जो भी पराठे हम बनाएंगे वो फटेंगे नहीं। तो यहाँ लोई काट लीजिए और ऐसे कटोरी की तरह हम यहाँ पे बना लेंगे और इसमें मूली की जो हमने स्टफिंग बनाई है उसे भर लेंगे अच्छे से और इसे थोड़ा सा दाब के अंदर करके और बंद कर लेंगे। तो इस हिसाब से मैंने बंद करके, और बंद करने के बाद थोड़ा सा हाथों से प्रेस करके इन्हें थोड़ा हम बढ़ा लेंगे इस तरह से। तो इस तरह से बढ़ाने से ये और नहीं फटते हैं। तो ये देखिए हल्के फुल्के कहीं से हैं, लेकिन इतने से कोई दिक्कत नहीं होती है। और अब आप सेक लीजिए, काफ़ी बेसन डालने पे ये थोड़े से कुरकुरे बनते हैं, इस वजह से आप बेसन डाल लीजिए। और वो अगर नहीं पसंद है तो मत डालिए, तो अपनी पसंद होती है। ये देखिए एकदम बढ़िया कुरकुरा पराठा बना है और इसका टेक्सचर, स्वाद, ये सारी चीज़ें बहुत ही बढ़िया बनी हैं। और एक तरफ से आप खोलेंगे तो अच्छे से खुल भी जाएंगे पराठे, बहुत बढ़िया बने हैं। तो अब लगा लेते हैं अपनी थाली। यहाँ पे हमने रख ली है चटनी और पराठे, और आप लेना चाहें तो अचार भी ले सकते हैं। तो ये देखिए सारे एकदम अच्छे से खुल रहे हैं और इनका स्वाद एकदम लाजवाब है। एक बार बना के आप ज़रूर से देखिए, बहुत ही बढ़िया बनते हैं। तो ठंडी में बहुत सारे पराठे बनते हैं, तो सबको आप ट्राई करिए। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, और पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।